ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने या तो अभी नई नई गाड़ी चलानी सीखी है, या वो लोग जो गाड़ी सीख रहे हैं, या फिर जिनको गाड़ी चलानी पहले से आती है लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग कुछ ऐसी बड़ी मिस्टेक्स गाड़ी चलाते टाइम कर लेते हैं जिसकी वजह से उनकी गाड़ी के जो इंजन्स है या उसकी जो मेंटेनेंस है उनमें खर्चा बढ़ना शुरू हो जाता है और उनकी जेब पर भी भारी हो जाता है। आज इस वीडियो में हम उन्हीं बड़ी मिस्टेक्स के बारे में बातें करेंगे, उस चीज़ को बारीकी से समझेंगे कि ऐसी कौन सी बड़ी गलतियां हैं जिनको ना करने से आप अपनी गाड़ी के इंजन की क्वालिटी को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, इंजन की लाइफ को भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और आप अपने पैसों को भी बचा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पवन जी कार वाले। सबसे पहले हम उस मिस्टेक की बात करेंगे जो ज़्यादातर लोग अक्सर करते हैं। काफ़ी लोगों को देखा गया है कि जब वो गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो ठंडी गाड़ी को स्टार्ट करते ही हाथों हाथ गाड़ी को उस पर या तो ज़ोर जोर से एक्सेलेट करके उसको स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, एक्सेलेट करना शुरू कर देते हैं। आपको ऐसी गलती कभी भी नहीं करना है। जब कभी भी आप गाड़ी स्टार्ट करें तो हमेशा गाड़ी को 2 से 3 मिनट के लिए गाड़ी को स्टार्ट रहने दें, उसके अंदर इंजन को ऑयल को अच्छे से घुल जाने दें, उसके बाद ही गाड़ी को एक्सेलेट करें। इससे आपके गाड़ी के इंजन की क्वालिटी बेहतर बनी रहेगी और आपको बेटर ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलेगा। अगली मिस्टेक की बात करते हैं। जब भी आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी को कभी भी हमेशा सेकंड या थर्ड गियर पे ना उठाएं। गाड़ी को हमेशा जब भी आप गाड़ी चलाएं तो गाड़ी को हमेशा फर्स्ट गियर में डालने के बाद ही गाड़ी को उठाएं। ऐसा करने से गाड़ी के ऊपर इंजन के ऊपर भी लोड कम पड़ेगा और आपको पिकअप भी अच्छा मिलेगा। ज़्यादातर लोगों को देखा गया है कि वो गाड़ी को हमेशा हैवी गियर पे बड़े वाले गियर पे गाड़ी को डाल के उठाते हैं जिसकी वजह से फिर उनको पिकअप में दिक्कत आती है, तो बाद में फिर वो कंप्लेन करते हैं कि या तो इंजन में प्रॉब्लम है या गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए आपको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। गाड़ी कभी भी आप चलाएँ तो हमेशा फर्स्ट गियर पर ही गाड़ी को उठाएँ। अगली मिस्टेक की बात करते हैं। ज़्यादातर लोगों को देखा गया है कि जब भी वो गाड़ी चलाते हैं तो एक हाथ उनका स्टीयरिंग पर रहता है और एक हाथ उनका गियर पर रहता है, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। गाड़ी को आप जब भी चलाएं तो हमेशा कोशिश करें, अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो दोनों हाथों के स्टीयरिंग पे 3 PM या 9 PM पर ही गाड़ी को अपने हाथों को स्टीयरिंग पर रखें। इससे होता क्या है कि जब भी आप ज़्यादा लंबे समय तक अगर आप अपने हाथों को गियर के ऊपर लगा के रखते हैं तो गियर के अंदर गियर टीथ होते हैं जो गियर बॉक्स के अंदर, वो घिसने शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से धीरे धीरे उसमें गियर स्लिप होने की प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती है, फिर बाद में धीरे धीरे वो प्रॉब्लम बढ़ती जाती है और आपकी जेब पे भी भारी पड़ती है। इसीलिए कोशिश आपको ये करनी है कि आपको दोनों हाथ स्टीयरिंग पर ही ज़्यादातर रख के चलाना है। आप ज़्यादा लंबे समय तक अपने हाथों को गियर पर रख के गाड़ी ना चलाएं, इससे गाड़ी में आने वाले समय में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो आप हमेशा इस चीज़ को हमेशा इस प्रॉब्लम को अवॉइड करें और इससे बचें। अब बात करते हैं अगली मिस्टेक की। ज़्यादातर लोग गाड़ी चलाते टाइम ये ध्यान नहीं रखते कि सामने स्पीड ब्रेकर आ रहा है या फिर खड्डे आ रहे हैं वो या डंपिंग, उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और गाड़ी को उसके ऊपर से ज़ोर से कुदा के ले जाते हैं। आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप गाड़ी चलाएं हमेशा गाड़ी को ब्रेक लगा के गियर को कम करके स्पीड के अनुसार उसके बाद ही गाड़ी को उसके आगे ले जाएं। ऐसा करने से आपके जो शॉकर्स हैं, सस्पेंशन है, उसमें आने वाली समस्याओं से काफ़ी आपको निजात मिलेगी और गाड़ी की इंजन की और गाड़ी की मेंटेनेंस की लाइफ भी बनी रहेगी। गाड़ी चलाते टाइम आप हमेशा इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी आप गाड़ी की स्पीड को 2000 RPM से लेकर 3000 RPM के बीच में ही गाड़ी को रखें। इससे आपको बेटर माइलेज मिलेगी और आपको अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी मिलेगा, यही आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। जब कभी भी आप ट्रैफिक में या हाईवे पर गाड़ी चलाएं तो हमेशा आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आप सामने वाली गाड़ी से अपनी गाड़ी का डिस्टेंस जो हमेशा मेंटेन करके रखें। काफ़ी लोगों को देखा गया है कि वो हमेशा आगे वाली गाड़ी से चिपका के गाड़ी चलाते हैं और सडनली कभी अगर ब्रेक लगाने की ज़रूरत पड़ जाए तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं और ऐसा होता भी है जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की जान भी गई है और उनकी गलती की वजह से आगे से जो गाड़ी चल रही है और पीछे से जो गाड़ी आ रही है उनको भी चोट लगती है। आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जब भी आप गाड़ी चलाएं तो हमेशा डिस्टेंस मेंटेन कर ही गाड़ी चलाएं। इससे होगा क्या कि एक्सीडेंट के चांसेस भी कम रहेंगे और आप बिल्कुल सेफली गाड़ी चला पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं एक और अगली मिस्टेक की, और वो सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि कभी भी गाड़ी चलाते टाइम आप अपने, ज़्यादातर लोगों को दिखाया गया है कि वो साइड के जो OVMs होते हैं, जो साइड मिरर्स होते हैं, उनको बंद करके रखते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। साइड के दोनों OVMs को आप हमेशा खोल कर रखें और उनको खोल कर ही गाड़ी चलाएं, जिससे आप साइड के बैक साइड के जो पीछे से जो भी आ रहे हैं आप उनको आराम से देख सकते हैं कि पीछे कोई आ तो नहीं रहा, जिससे आपको पूरा व्यू मिलेगा और आपकी जो ड्राइविंग होगी बिल्कुल सेफली होगी। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। गाड़ी चलाते समय आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि
कि आपकी गाड़ी की स्पीड आपके गियर के हिसाब से चलती रहे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने, आप भी काफ़ी लोगों को देखा होगा, मैंने भी ऐसे काफ़ी लोगों को देखा है, जब भी वो गाड़ी चलाते हैं उनकी गाड़ी की स्पीड तो हमेशा कम होती है और गियर हमेशा टॉप पे रहता है। तो ये बहुत बड़ी गलती है, गाड़ी की जो गियर है हमेशा उसके स्पीड के अनुसार ही सेट रहने चाहिए, इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें। काफ़ी लोगों की स्पीड गाड़ी की बहुत कम होती है लेकिन उनका टॉप गियर लगा रहता है, जिससे इंजन के ऊपर बहुत लोड पड़ता है और इंजन को ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में गाड़ी के अंदर हेड गैस्केट की समस्या भी पैदा होने लग जाती है या फिर इंजन भी प्रॉब्लम करना शुरू कर देता है। तो कभी भी आप इसका ध्यान रखें, अगर आपकी गाड़ी की स्पीड कम है तो अपनी गाड़ी के गियर को भी उसकी स्पीड के अनुसार ही शिफ्ट करके रखें। तो ऐसा करने से आपकी गाड़ी के इंजन की जो क्वालिटी है वो लंबे समय तक बनी रहेगी और आपका मेंटेनेंस खर्चा भी काफ़ी हद तक बच जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और जो वीडियो में आपको बताया गया है इसका पूरा आप ध्यान रखेंगे, इन गलतियों से आप बचेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के सामने साथ में एक बेल आइकन का प्रेस का बटन दिया गया है, आप उसको भी क्लिक करें, जिससे आपको टाइम से टाइम नोटिफिकेशन आपको समय समय पर इस वीडियो के मिलते रहेंगे इस चैनल के। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद और टेक केयर।